हेलो दोस्तों, मैं मोसिम ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के स्टूडियो में आज हमारे साथ है सूर्य प्रताप सिंह, जिनका गेट में 147 रैंक आया है और ये आईआईटी हैदराबाद से एमएससी कर रहे हैं। और एक बात मैं इनके बारे में बता दूं कि ये अभी अक्टूबर में जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी में फोटो कैटलिटिक रिएक्शन में पीएचडी के लिए जा रहे हैं, इनका वहां भी सिलेक्शन हुआ है। तो सूर्य प्रताप सिंह, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और सूर्य प्रताप सिंह, आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप मतलब कहाँ से हो, आपका अभी तक का एकेडमिक अचीवमेंट्स और जो भी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू वेरी मच सर। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेवर से बिलोंग करता हूं। मेरी प्राइमरी एजुकेशन स्टेट बोर्ड से हुई है और मैंने अपनी बैचलर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से की है। वहां से मैंने फर्स्ट ईयर फर्स्ट क्लास सिक्योर करने के बाद मैंने जैम ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स दिया, जिसमें मेरी 311 रैंक आई। तो उस जैम के बेसिस पे मैं आईटी हैदराबाद में मैंने एडमिशन लिया और करेंटली मैं आईटी हैदराबाद से केमिस्ट्री में मास्टर्स कर रहा हूँ। ये मेरा सेकेंड ईयर है। अभी लास्ट फरवरी में मैंने गेट का एग्जाम दिया जिसमें मैंने 147 रैंक सिक्योर की। ओके, तो सूर्य प्रताप, आप हमें ये बताइए कि आपका मतलब स्ट्रेटजी क्या था गेट के लिए? क्या आपने कोचिंग लिया या फिर आपने कुछ टेस्ट सीरीज ली या फिर किस तरह से आपने गेट को अप्रोच किया? और आपने और एक चीज हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि इसमें आप एग्जैक्ट कितना टाइम आप इसमें इन्वेस्ट किए गेट को प्रिपरेशन करने के लिए? 6 मंथ, 1 ईयर, और या फिर आप शुरू से जब आए थे तब से आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? थैंक यू वेरी मच सर। और व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि सूर्य प्रताप सिंह मुझे सर इसलिए बुला रहे हैं जबकि मैं उन्हें बोला हूँ अक्सर कि उन्होंने प्रोजेक्ट जो है तो मेरे अंडर किया था। मैं यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ और मेरे ग्रुप में उन्होंने पीएचडी किया है, तो यहाँ जनरली जो पीएचडी स्टूडेंट्स है उनको सर बनाया जाता है। मैं सर नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ आईआईटी हैदराबाद में। हाँ, तो सूर्य बताइए। देखिए, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं तो केवल कोचिंग से आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। अगर आप सेल प्रिपरेशन करते हैं तो भी आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को ईजली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जहां तक मैं अपनी बात करता हूं तो मैंने कोचिंग क्लासेस नहीं ली गेट के एग्जाम के लिए, मैंने सेल प्रिपरेशन की एंड मैंने इट्स लाइक अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सबसे पहले मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिनका गेट एग्जाम में सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, तो मैंने उनसे बात की। तो उनसे बात करने पर मुझे पता चला कि मैंने उनसे पूछा कि अगर मुझे अंडर 10 रैंक चाहिए गेट में तो मेरा कितना मार्क्स आना चाहिए। तो उनके द्वारा मुझे पता चला कि अगर तुमको अंडर 10 रैंक चाहिए तो कम से कम 60 एवर मार्क्स होना चाहिए। तो वहां से मैंने अपना स्ट्रेटेजी की शुरुआत की। फिर वहां से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, उसमें मैंने पाया कि अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ देन आई विल गेट ईचली 60+ मार्क्स विच विल हेल्प मी इन ईचली क्वालिफाइंग अमॉन्ग टॉप 10 रैंक स्टूडेंट्स। सो आई प्रिपेयर फॉर बोथ फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लगभग 3 महीने पहले मैंने ये प्लान किया, उसके बाद मैंने बचे हुए टाइम को इक्वली किस तरह से तैयार करना है उसमें डिवाइड किया। ओके, तो आप ये भी बता दीजिए कि आप इंपॉर्टेंट जो बुक्स है, मतलब पूरा ऐसा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, जो बुक आप मतलब मस्ट रीड बुक्स जो है गेट केमिस्ट्री के लिए वो कौन सी है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताए तो थोड़ा सा हेल्प होगा हम लोगों को। थैंक यू सर। एक्चुअली आजकल ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आप किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स से पढ़ रहे हैं तभी आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल व्यू यहाँ पे रखना चाहूंगा और मैं जो गेट के एस्पिरेंट्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर आप बुक्स से पढ़ रहे हैं देन नथिंग इज बेटर देन बुक्स। इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद बुक्स सो यू कैन क्वालिफाई एनी कम्पिटेटिव एग्जाम वेरी इजली। तो मैं आपको केवल एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आप बुक्स से पढ़िए, अपने नोट्स खुद तैयार कीजिए और उन नोट्स को रिपीटेडली हर एक दिन आप रिवाइज करिए। जब आप नए दिन कुछ पढ़ते हैं तो पिछले दिन आपने क्या पढ़ाया उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी होगा। और अगर बुक की बात करते हैं हम तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जनरल हुई बुक मैंने प्रेफर की थी, जेम्स ई हुई, ये बुक आपको कहीं भी वेरी इजली अवेलेबल, यू कैन गेट इट। एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री आई हैव प्रेफर्ड डिफरेंट बुक्स फॉर डिफरेंट टॉपिक्स, लाइक फॉर क्वांटम केमिस्ट्री आई हैव रेड लेवाइन एंड न्यूमेरिकल्स आई हैव सॉल्व फ्रॉम मैक्वेरी, एंड फॉर केमिकल काइनेटिक्स आई हैव प्रेफर्ड लैडलर एंड न्यूमेरिकल्स आई हैव सॉल्व फ्रॉम केएल कपूर, एंड
in this way different books for different topics. It's not like that only you have one book and you will read that and you will get everything from that book. You have to choose various books for various topics. Okay, so Surya, एक और चीज़ आप बताइए कि coaching या no coaching, मतलब किसमें आप क्या सलाह देंगे हमारे viewers को? देखिए, अगर हम coaching की बात करते हैं तो coaching में अगर आप सही से पढ़ नहीं रहे हैं तो coaching के पास कुछ जादू की छड़ी नहीं है जो वो घुमा देंगे और आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा. आपको पढ़ना खुद से होगा. वो तो है. सफलता की एक जो कुंजी है वो हार्ड वर्क है. तो अगर आप खुद से हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप खुद से मेहनत कर सकते हैं, तो सेल्फ प्रिपरेशन इज द बेस्ट मेथड टू क्वालिफाई एनी कम्पिटिटिव एग्जाम. कोचिंग क्या है? कोचिंग आपको हेल्प करता है. दे विल प्रोवाइड यू एडिशनल सप्लीमेंट स्टडी मटेरियल्स. दे विल गिव यू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो दैट कैन हेल्प यू. बट अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बुक से पढ़िए, अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद आप टीवी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, और उसके बेसिस पे अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आपने जितना पढ़ा है उसमें से आप कितना कर पा रहे हैं. तो उसके बेसिस पे आप फिर आगे इम्प्रूवमेंट कीजिए. अगर आप इस तरह से एक कॉन्टिन्यूस प्लान स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करते हैं तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो गेट हो या जैम हो या कोई दूसरा एग्जाम हो, उसको क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है. वो तो है. लेकिन सूर्य, अभी और एक चीज देखा जाए, आपका रैंक 147 आया है. ये 47 भी आ सकता था. मतलब ऐसा क्या हुआ कि मतलब ये मार्क्स आपके वैसे भी अच्छे, आप 50 के आसपास आपके मार्क्स हो, 49 आपके मार्क्स है, क्या कर सकते थे जो आपका रैंक और भी थोड़ा आगे आ सकता? मतलब आप ये बताइए कि जो डूज एंड डोंट टाइप, ये आप बताइए एस्पिरेंट्स को. थैंक यू सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली. सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूंगा कि आजकल जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है. तो ट्राई टू अवॉइड रॉन्ग आंसर्स. डोंट गिव रॉन्ग आंसर्स. सो ओनली द क्वेश्चंस व्हिच यू आर कॉन्फिडेंट एट आंसर दोज क्वेश्चंस ओनली. एंड ट्राई टू अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ये भी एक बात है. तो आपको एक बैलेंस बनाना होगा. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको क्वेश्चन गलत भी नहीं करने हैं. तो इन दोनों चीजों के बीच बैलेंस बना के आपको चलना होगा. एंड इफ यू मेंटेन दिस बैलेंस वेरी वेल देन यू विल गेट. तो मतलब आप ये अभी जो बोल रहे हैं कि एग्जाम टाइम में आपको थोड़ा अलर्ट रहते तो आप शायद और थोड़ा आगे आपका रैंक इम्प्रूव हो सकता था आपके हिसाब से. तो एस्पिरेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जब भी आप आंसर राइटिंग मतलब एग्जाम में कर रहे हो तो कभी भी, जिसलिए मॉक टेस्ट जो है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है. मॉक टेस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या फिर उस टाइप का? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. फर्स्ट आई वुड लाइक टू से दैट व्हाटएवर, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से that don't read much. For any competitive exam, you just go through the syllabus. Whatever topics they are giving you, only those topics you read. You have entire time. You just have, for any competitive exam, if you qualify, this is just a platform. If you want to study very much, after qualifying this competitive exam, you go and study. But okay. For a competitive exam, don't study much. Only the मतलब सूर्य, आप बताना चाह रहे हो कि focus study जो है बहुत matter करता है कोई भी competitive exam में, because chemistry का जो syllabus है बहुत vast है. आप सब नहीं पढ़ सकते. सब नहीं पढ़ सकते और पढ़ना भी नहीं चाहिए. ओके ओके. तो ये हिसाब से आप ये बताइए कि गेट में आपको ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल? क्योंकि जैसे नेट का जो पेपर होता है, जहां आप कोई दो टॉपिक को ठीक से कर ले तो आप पास हो जाओगे, अच्छे से आपका मतलब क्वालिफाई हो जाओगे. लेकिन गेट में जो है तो बराबर का वेटेज दिया जाता है इसको. तो इसमें आप क्या सलाह दोगे एस्पिरेंट्स को? सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा है. अगर आपका इंटरेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा है, देन गो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आपका फिजिकल में ज्यादा है तो गो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. और अगर इनऑर्गेनिक में ज्यादा है तो उसके लिए जाइए. उसके बाद अगर आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए गेट के एग्जाम में, तो आपको तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा. कोई दो सब्जेक्ट आप ऐसे कर लीजिए जिसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप इजिली सॉल्व कर सकें. और तीसरा सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि 50% क्वेश्चन फ्रॉम दैट सब्जेक्ट ऑल्सो यू कैन सॉल्व वेरी इजिली. और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि स्टार्टिंग के जो 15 मार्क्स होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड के लिए होते हैं, तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं. तो ये जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट है वो आपके जो तीसरा केमिस्ट्री का पार्ट है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए वो कंपनसेट कर सकता है. अगर आप वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हैं तो उधर वो कंपनसेशन हो जाता है. इस तरह से आप नेगेटिव मार्किंग से भी बचते हैं और आपका स्कोर भी काफी अच्छा हो जाता है, जो आपको एक अच्छी रैंक देने में बहुत मदद करता है.
ओके, ये तो था इसके बारे में। और मैं पूछना चाहूंगा सूर्या कि हमारे जो एस्पिरेंट्स है, कुछ लोग एमएससी अभी शुरू किए हैं, कुछ एमएससी में है और कुछ लोग पास कर गए हैं, समझो कुछ लोग गैप लेके गेट का प्रिपरेशन करते हैं, तो आप ये पहले जो हमारे एमएससी में एनरोल किए हैं एस्पिरेंट्स या फिर जो भी करेंगे उनके लिए आप बताइए कि विदाउट कोचिंग जैसे आपका एमएससी का सिलेबस जा रहा है उसके साथ आप गेट का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, मतलब उसके लिए कुछ अलग से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा या फिर वो आप एमएससी का कोर्स कर रहे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस क्वेश्चन। जो लोग, पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिन लोगों ने दूसरे लोगों की नकल ना करते हुए, कॉपी ना करते हुए ये एक डिफरेंट फील्ड चुना जो कि जनरली लोग नहीं चुनते हैं। हाँ ये बात सही है। हाँ तो इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा और अपने रेगुलर सिलेबस के साथ गेट के प्रिपरेशन करने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा प्लानिंग रहेगा। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए, आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए और आपको उस गोल्स की तरफ प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो आपका एमएससी स्टार्ट हो रहा है और आपका टीचर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो उस सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को पूरा कीजिए। उस सब्जेक्ट के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट सारे क्लियर कीजिए। तो एक बार आपका एक टॉपिक जब आपका कॉलेज में कवर हो जाता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं आप उनको देखिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत आसान होता है कि जब आपने एक टॉपिक कभी पढ़ा है और उसके तुरंत बाद आप वही टॉपिक फिर से करने जा रहे हैं तो ये एक आसान होता है आपके लिए। लेकिन अगर वही काम अगर आप लास्ट के एक महीने में, गेट का एग्जाम फरवरी में है, हाँ जनवरी आ गई है मुझे कुछ करना चाहिए, तो अगर आप एक महीने में करते हैं थोड़ी हड़बड़ाहट रहती है, घबराहट रहती है, तो ये नहीं हो पाता है। तो जो भी बच्चे जो अपने एमएससी फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा और उनसे कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे अपना प्लान कीजिए, प्लान्ड स्टडी कीजिए एंड इट इज वेरी इजी टू क्वालिफाई गेट इफ यू आर प्रिपेयरिंग कॉन्टिन्यूसली एंड इन अ प्लान्ड वे। सो वेरी गुड। ओके तो सूर्या मैं अभी ये आखिरी सवाल है आपसे, गेट के बेसिस पे आप जॉब भी ले सकते हो या फिर आप पीएचडी भी ले सकते हो, तो आप जैसे तो आप तो डिसाइड ही कर लिए हो कि आप जापान जाना ही चाह रहे हो, आप जापान जाओगे नेक्स्ट अक्टूबर में, दोस्तों सूर्या जो है तो जापान जाएंगे, उनका फोटो कैटालिटिक रिएक्शन में ये प्रोफेसर योशिदा के ग्रुप में पीएचडी करेंगे, तो गेट पे आप जॉब या पीएचडी आप मतलब उसमें से किस लाइन से, मतलब क्या पैरामीटर से आप चूज कर रहे किए हो, आप तो पीएचडी चूज कर लो, आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे, क्या करना, क्या जाना चाहिए उनको, क्या ऑप्शन लेना चाहिए? थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। ये गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना एक स्टेप है आपकी फर्दर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मेनली दो चीजें हैं जो आप गेट के स्कोर के बेसिस पे कर सकते हैं। पहला ये है कि आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं, दूसरा जो है आप जॉब्स के लिए जा सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में पीएसयूज के लिए। तो मैं अपना व्यू रखना चाहूंगा कि मैंने पीएचडी क्यों चूज की और मैंने ONGC बार क्या दूसरी पीएसयूज क्यों नहीं चूज की। तो पीएचडी मेरा चूज करने का पहला मकसद ये था कि अगर आप पीएचडी करते हैं, आप कहीं से भी करते हैं, चाहे आप इंडिया से करें या एब्रॉड से करें, तो आप पीएचडी में जो भी काम करेंगे वो जो काम है वो आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा। तो अगर आप पेपर निकालते हैं तो उसमें ऑथर में आपका नाम होगा, अगर आप कुछ रिसर्च करते हैं तो वो आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा और सारा जो क्रेडिट है वो आपके लिए होगा। लेकिन अगर आप ONGC में जाते हैं या किसी भी जॉब के लिए आप किसी कंपनी में जाते हैं तो काम तो आपको करना होगा लेकिन क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, आप किसी दूसरे के लिए काम करेंगे। ये बात बहुत बड़ी बात की आपने सूर्या। और सूर्या सो दोस्तों ये थे सूर्या और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे चैनल ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों और एक चीज मैं आपको सूर्या को फिर से एक बार मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सूर्या, बहुत अच्छा तुम अपने फ्यूचर लाइफ में बहुत आपको जो तरक्की करो। और एक चीज सूर्या का मैं और एक इंटरव्यू करना चाहूंगा जब वो जापान जाए, जापान का पीएचडी लाइफ कैसा होता है वो सब जानने के लिए। सो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी फॉर फर्दर एक्साइटिंग वीडियोज। थैंक यू फ्रेंड्स।